हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि सी में हम नेस्टेड इफ एल्स के साथ कैसे काम करेंगे। मैंने कुछ पिछला वीडियो भी बनाया था जहां हम इफ एल्स इफ लेडर के साथ काम कर रहे थे। लेडर इज अ डिफरेंट थिंग और नेस्टेड इफ एल्स इज अ डिफरेंट थिंग। तो आज हम देखेंगे कि जो नेस्टेड इफ एल्स है उसके साथ हम कैसे काम करेंगे सी लैंग्वेज में। जब हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक के अंदर एक, जब आप इफ के अंदर इफ कंडीशंस को फॉलो करते हैं तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। हम एक एग्जांपल लेंगे जो हमने लास्ट अपने यूट्यूब लेक्चर में भी देखा था कि हम स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करेंगे और परसेंटेज के बेस पे हम ये फाइंड करेंगे कि उस स्टूडेंट का कौन सा डिविजन है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो सेम एग्जाम्पल हम फॉलो करेंगे ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम बनाना। यहाँ हम नेस्टेड इफ के साथ काम करेंगे। प्रोग्राम है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करना, उनका परसेंटेज फाइंड करना, देन परसेंटेज के बेस पे हम ये फाइंड करें कि उनका डिवीजन क्या है यूजिंग नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम केवल मार्क्स एंटर करके परसेंटेज निकालने तक क्या प्रोसेस कर रहे हैं। फिर हम नेस्टेड इफ का सिंटेक्स देखेंगे और उसमें इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यूज फीड करेंगे वो देखेंगे। क्योंकि ये इनसे आप फैमिलियर हैं, मेरे पुराने वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, पिछले वीडियोस को, अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो। तो प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से। मेन के बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हमें केवल सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम केवल चार वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, S1, S2, S3। ये तीन इंटीजर वेरिएबल हैं तीन सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं। और एक वेरिएबल हमने लिया है PER जो परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। CLR, SCR उसके अंदर हमने लिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर स्क्रीन को, ताकि जो अगर हमारे प्रोग्राम में कोई पिछला आउटपुट है जो शो होगा वो डिस्प्ले ना हो, आउटपुट स्क्रीन क्लियर आए। उसके बाद हमने एक मैसेज टाइप किया प्रिंट एफ में, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन। तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा कि एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन। और मार्क्स को इनपुट करने के लिए आप यूज करेंगे स्कैनएफ को, जहां पे हमने लिखा हुआ है स्कैनएफ, जो रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए यूज होता है। चूंकि इंटीजर है इसलिए हमने परसेंट डी लिया है, और वो कौन से वेरिएबल पे स्टोर होगा, S1 पे, इसलिए यहाँ एड्रेस ऑफ S1 हमने यहाँ पे यूज किया है। सेम ऐसे ही हम सब्जेक्ट टू के मार्क्स के लिए करेंगे और सेम ऐसे ही हम सब्जेक्ट थ्री के मार्क्स के लिए यूज करेंगे। तो S1 में पहले सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट हो गया है, S2 में दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट हो गया है, और S3 में तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट हो गया है। देन हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट किया है PER इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3। हमने माना कि हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के हैं, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 3 करेंगे तो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, PER नाम के वेरिएबल पे स्टोर हो रही है। तो हमने क्या किया, केवल परसेंटेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया प्रिंट एफ की हेल्प से, और लिखा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू परसेंट डी। और वो परसेंट डी क्या है, वो परसेंट डी है PER की वैल्यू। तो यहाँ तक अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ तक हमारा परसेंटेज डिस्प्ले होगा स्टूडेंट का। अब परसेंटेज डिस्प्ले होने के बाद हम फॉलो करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को, जो नेस्टेड काम करेगी। नेस्टेड का पहले मैं यहाँ आपको एक सिंटेक्स लिख देती हूँ। हम लिखते हैं इफ और होता है कंडीशन, जो हम नॉर्मली इफ एल्स के साथ अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। बट अगर फॉल्स है तो यहाँ लगेगा एल्स और एल्स के बाद लगेगा इफ, साथ में ही हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ, और फिर हमारी लगेगी दूसरी कंडीशन। और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट्स वर्क करेंगी, और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो फिर से एक एल्स इफ लगेगा और फिर कंडीशन वर्क करेंगे। यानी ये तब तक काम करेगा जब तक आप उसको प्रोसेस कराना चाहते हैं। ओके? तो ये इस तरह से आप इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के साथ काम करेंगे। इफ के अंदर कंडीशन,
ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एल्स होता है, बट एल्स के साथ ही हमने इफ यूज किया है और फिर यहाँ पे कंडीशन को पुट किया है और फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर ऐसे ही आपके पास मल्टीपल एल्सिफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। बट इन केस अगर आपके पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फाइनली एल्स की जो भी कंडीशन होगी स्टेटमेंट होगी, मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसके बाद आप एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट और यहाँ आपका जो नेस्टेड इफ एल्स है वो कंप्लीट होता है। अब यही प्रोसेस इसी मेथड में हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं ये कैसे काम करेगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने कोडिंग करके रखी थी, मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ। देखिए यहाँ हमारे पास मार्क्स कैसे हैं, चूंकि हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो जितना मैं सिलेक्ट कर रही हूँ आप उतने में फोकस करिए। पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर जो भी परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू 60 से ज्यादा या इक्वल है तो मैसेज क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। बट अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी हमारे मार्क्स जो हैं वो 60 से ज्यादा नहीं है, तो हम फिर चेक कर रहे हैं एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 एंड लेस देन 60, एंड एक ऑपरेटर है जो दोनों कंडीशंस की वैल्यू को ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि वैल्यू 60 से कम है और ओके, और 45 से इक्वल या बड़ी है, यानी वैल्यू 45 से 59 के बीच में है, तो एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे सेकेंड डिवीजन। बट अगर ऐसा भी नहीं है, वैल्यू 45 तक भी नहीं है, तो एक तीसरा else if लगाया हमने कि वैल्यू 45 से छोटी है एंड जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है, यानी 33 से बराबर या इक्वल है और 44 के बीच में है, क्योंकि 45 से छोटी है, तो 44 से 33 तक की अगर कोई वैल्यू आती है, परसेंटेज आता है, तो थर्ड डिवीजन। बट अगर वैल्यू 33 से भी कम है तो हम else में जाते हैं और उसको लिख देते हैं फेल, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे हमने यहाँ पे अप्लाई की जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। कंपाइल किया मैंने, नो एरर नो वार्निंग, रन किया मैंने, बोल रहा है एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन, तो आप कोई मार्क्स एंटर किया मैंने 56, फिर कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट टू, मैंने किया 67, फिर एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट थ्री, मैंने किया 86, यहाँ पे आया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 69, तो ऑब्वियसली वैल्यू 60 से बड़ी है तो आया फर्स्ट डिवीजन। ऐसे ही अगर हम सेकेंड डिवीजन कोई मार्क्स इनपुट करके देखते हैं, सपोज मार्क्स है 56, 54 और 45, तो परसेंटेज है 51 और स्टूडेंट कौन से डिवीजन में आया, सेकेंड डिवीजन। अब एक थर्ड डिवीजन का मार्क्स इनपुट कर लेते हैं, सपोज मार्क्स हैं 36, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 39 और तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 40, परसेंटेज आया 38 और स्टूडेंट क्या हो गया, थर्ड डिवीजन। बट अगर स्टूडेंट के मार्क्स और भी कम हैं, मैंने एंटर किया 12, 23, 31, तो स्टूडेंट के परसेंट हो गया 22 और स्टूडेंट क्या हो गया, फेल। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ के साथ काम कर सकते हैं कि कैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।